छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति को लेकर प्रदेशव्यापी विधानसभा घेराव कार्यक्रम निर्धारित था। बस्तर संभाग के सभी शिक्षक इस आंदोलन में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर जा रहे थे और जिसे पुलिस टीम चारामा ने सभी शिक्षक साथियों को मंचादूर नाका में रोक लिया। रोके जाने पर सभी शिक्षकों ने मंचादूर नाका को धरना स्थल पर तब्दील कर दिया और शासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाया। इस अवसर पर उत्तम सिन्हा, जिला अध्यक्ष काकेर घनाराम नागराज, ब्लॉक अध्यक्ष चारामा, साथ ही में उमेश शुक्ला और CM शर्मा सुकमा, साथ ही में ललित पिद विश्वकर्मा, अरुण मालेकर एवं बस्तर संभाग के शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सूर्या नेवेंद्र की रिपोर्ट। मैं उत्तम सिन्हा, जिला अध्यक्ष सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला कांकेर। चूंकि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय वाहन पर आज दिनांक 22 तारीख को विधानसभा घेराव कार्यक्रम का निर्धारित था। चूंकि ये आंदोलन प्रदेशव्यापी आंदोलन था और पूरे प्रदेश भर से साथी राजधानी बूढ़ा तालाब में इकट्ठा हो रहे थे। चूँकि शासन प्रशासन द्वारा जगह जगह हमारे जितने भी सहायक शिक्षक साथी हैं उनको रोके जा रहा है, क्योंकि ये गलत है। मैं इस मंच के माध्यम से शासन को बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति, ये हम पूर्ववर्ती सरकार से करते आ रहे हैं और ये मांग हमारी 4 साल से पेंडिंग पड़ी है। भूपेश सरकार शासन में जैसे ही आते ही ये आश्वासन दिए थे कि जैसे हमारी सरकार आएगी हमारी मांग पूर्ण हो जाएगी करके, पर आज 3-4 साल बीतने को है, हमारी मांग अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। मैं शासन को बताना चाहता हूँ कि अगर ये मांग हमारी पूर्ण नहीं होती है तो इससे भी बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन होने की संभावना है। मैं उत्तम सिन्हा, जिला अध्यक्ष साक्षी फेडरेशन जिला कांगेर।